Now, meanwhile, leading the charge for the BJP, Prime Minister Modi, in his another fiercest attack, has said that the Chief Minister's office in Chhattisgarh has now become a hub of betting, and saying that the BJP has also alleged that this betting money is being used by the Congress in the poll season, and soon Bhupesh Baghel would be joining the likes of Manish Sisodia, Sanjay Singh and Satendra Singh in jail. मुख्यमंत्री कार्यालय यहां सट्टेबाजों का अड्डा कैसे बना हुआ था और ये कक्का आपका सब लोग तो कहते हैं 30% कक्का 30% कक्का खुलेआम सट्टा ये 30% कक्का खुलेआम सट्टा चला रहे थे। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है, छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। ऐसे आरोप से घिरे मुख्यमंत्री को एक दिन भी सीएम की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। ये आरोप इतने गंभीर है, सबूत इतने सटीक है कि कांग्रेस से अपने मुख्यमंत्री का बचाव करना भी मुश्किल हो गया है। आपको मैं गारंटी देता हूं, महादेव सट्टेबाजी घोटाले में भाजपा दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। घोटाले पे घोटाला और पसीने पे पसीना निकल रहा भूपेश बघेल जी का। जनता सवाल पूछ रही है और भूपेश बघेल भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले भी कहते थे भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, यानी कि भूपेश बघेल को पेमेंट करो, और वो कैसे होती है महादेव ऐप वाले ने बता दिया। कितना भागोगे? आज जनता भगा रही है, कल जांच एजेंसियां भगाएंगी, और परसों वहीं पर आओगे जहां सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, संजय सिंह जी और अब केजरीवाल जी का नंबर आने वाला है। सीधा सवाल है, आज 20 सीटों पर मतदान हो रहा है, आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी मतदान हो रहा है, खुद की जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं और कितने 20 सीटों में से कितनी सीटें आ रही है प्रथम चरण में? राजनांदगांव के गलियों में घूमकर अभी मतदान आप देख लीजिए, राजनांदगांव के मतदाता से थोड़ी बहुत बात कर लीजिए, राजनांदगांव के शहर और ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं का एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। राजनांदगांव में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगी। जनता का आशीर्वाद, हमने कल देखा योगी जी के जो रैली थी उसमें पूरा राजनांदगांव सड़क पर उतरा था और जिस प्रकार स्वागत किया गया, तो मुझे लगता है ये चुनाव राजनांदगांव और राजनांदगांव के साथ 20 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बढ़त के साथ आगे बढ़ेगी और सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त 20 विधानसभा में हो जाएगा। महादेव ऐप जो सामने आया, जिस तरीके से घोटाला हुआ है, कितना कारगर साबित होगा बीजेपी के लिए? क्या इम्पैक्ट डालेगा? क्या एजेंडा है ये जनता का? जनता छत्तीसगढ़ की भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती। अब मुख्यमंत्री जुआ और सट्टे से यदि पैसा खाने लगे, शराब में पैसा चल जाएगा, कोयले में पैसा चल जाएगा, अब तो महादेव सट्टा जुआ भी युवकों को पीढ़ी बर्बाद करने का, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो पीएससी की भर्ती में पैसा खाने की बात करता हूँ। आपको क्या लगता है कि दोनों चरण के मतदान के बाद में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी? स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मुख्यमंत्री के हाथ बनेंगे? मुख्यमंत्री का चयन विधायक दल में होगा। और क्या एजेंडा होगा? मोदी की गारंटी इस बार सरकार बनने की भी गारंटी? 100%।